चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KSSTT ग्रुप। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 10.1 ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द गिवन फिगर 10.19 OA एंड OB आर अपोजिट रेज, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फर्दर फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOD। यहाँ पे दिया गया OA और OB अपोजिट रेज हैं। अब यहाँ पे देखिए OA है और यहाँ पे OB है, ये दोनों अपोजिट है दोनों के, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और फर्दर फाइंड करना है एंगल AOC एंड एंगल BOD। अब यहाँ पे एंगल AOC यानी x प्लस 20 डिग्री का एंगल फाइंड करना है और एंगल BOD हमें एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो है इसका पूरा जो सम है 180 होता है और यहाँ के नीचे पूरा सम 180 होता है, तो 180 प्लस 180 360 हो जाता है पूरा सम। लेकिन जब आधा है यहाँ पे सेम ही है तो यहाँ के इसका पूरा सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यही दोनों कर दें तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी पूरा सर्कल एक हो जाएगा, यानी स्ट्रेट एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे यही फिगर हमें दिख रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल AOB, एंगल AOB कितना मान लेंगे हम, लेट नहीं एंगल AOB 180 डिग्री होता ही है, तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल AOB कितना है, पूरा 180 डिग्री का है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एंगल BOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COA, तो एंगल COA इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे एंगल BOD कितना है, x प्लस 10 डिग्री है, इसको लिख लेंगे हम x प्लस 10 डिग्री, प्लस एंगल DOC कितना है, DOC x डिग्री है, तो यहाँ पे हम प्लस x डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू प्लस कर देंगे एंगल COA। आप यहाँ पे COA क्या दिया गया है, x प्लस 20 डिग्री दिया गया है, तो x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे यक्स 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 तो 3x हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 20 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इस साइड चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 150 डिग्री आ जाएगा, माइनस जब करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 डिग्री अपॉन 3, तो 3 5 15 यानी 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। और यहाँ पे x का मतलब कौन सा एंगल है, यानी DOC है, तो एंगल DOC हमारा फाइंड हो गया, एंगल DOC कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंगल AOC और एंगल BOD, तो एंगल AOC, तो एंगल AOC क्या है, AOC x प्लस 20 डिग्री है, तो x प्लस 20 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 50 डिग्री मिल गई, तो 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल AOC का वैल्यू आ गया, उसके बाद एंगल BOD है, तो एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOD x प्लस 10 डिग्री है, तो x प्लस 10 डिग्री, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 50 डिग्री है प्लस 10 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल BOD आ गया। अब ये 16 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। 17 क्वेश्चन है, इन द फिगर 10.20 AB एंड AC आर अपोजिट रेज, इफ़ A माइनस 3B इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल्स ऑफ A एंड B। अब यहाँ पे हमें भी A और B का एंगल फाइंड करना है। अब A प्लस B जो सम करेंगे तो कितना किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री का इक्वल आ जाएगा, तो A प्लस B इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 180 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A माइनस 3B इक्वल टू 20 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और A माइनस 3B दिया गया है क्वेश्चन में हमें, गिवन है जो
इक्वल टू 20 डिग्री दिया गया है उसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कैसे माइनस करेंगे, a माइनस 3b इक्वल टू 20 डिग्री है, माइनस कर देंगे a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री से। अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस करें यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 180 माइनस 20 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 160 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3b माइनस b तो माइनस 4b आ जाएगा, और प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 4b इक्वल टू माइनस 160 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो माइनस 160 डिग्री अपॉन माइनस 4 डिग्री। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो b की क्या वैल्यू आ गई, 4 4 जो 60, यानी b की वैल्यू आ गई 40 डिग्री आ गई। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री मिल गई हमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, अब किसी इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट करके हम क्या कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी इक्वेशन हम रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू निकाल ली है, 40 डिग्री निकाली है, तो b इक्वल टू 40 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 डिग्री आ जाएगी। a की वैल्यू फाइंड हो गई 140 डिग्री। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू कहाँ से फाइंड हो गई थी, हमें a माइनस 3b और a प्लस बी को हमने जो माइनस किया, तो वहाँ से हमें b इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड हो गई। उसके बाद हम किसी भी इक्वेशन यानी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे बटी क्वेश्चन का आंसर रहेगा।